GDS learning में पूछा हूँ दीन आज हम के साथ mailing address और delivery address के entries के बारे में discuss करते हैं इस तरह हम एक BF में दोनों इस field की entries करते हैं तो lecture को आगे बढ़ाने से पहले मेरे आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल के आइकन को दबाएं ताकि हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच जाए तो लेक्चर की तरफ बताऊँ पहले मैं यहाँ इस क्लाइंट की BF को डिस्प्ले करता हूँ अच्छा जी इसके बाद मैं मेरे एड्रेस की एंट्री यहाँ टाइप करता हूँ तो इसका तरीका ये है कि मैंने डब्ल्यू डॉट टाइप करना है उसके बाद मैंने इस एड्रेस की एंट्री करनी है आपको जहन में रखना है कि आप अगर आप मेरे एड्रेस की एंट्री यहाँ टाइप करते हैं इसको रिकॉर्ड करते हैं बीएफ में ग्रीन में तो आपको फाइव सब फील्ड की एंट्री यहाँ अलाउड है फाइव सब फील्ड से ज़्यादा आप इसकी एंट्री ज़्यादा एंट्रीज रिकॉर्ड नहीं कर सकते इसको टाइप नहीं कर सकते इस फील्ड में दूसरी बात यह है कि आपको कॉमा और डॉट का इस्तेमाल नहीं करना है अच्छा जी तो ये है मेरे एड्रेस के बारे में मैंने जो मालूमात थे आपको बता दी अब मैं इस एंट्री की इस फील्ड की एंट्री यहाँ टाइप करता हूँ रिकॉर्ड करता हूँ डब्ल्यू डॉट क्या है ये रिटर्न एड्रेस का मतलब है रिटर्न एड्रेस अब हमने इस एड्रेस को यहाँ टाइप करना है इसके बाद मैं स्टैटिक टाइप करता हूँ स्टैटिक एक फील्ड को दूसरी फील्ड से मैं जा करता हूँ तो इसके दरमियान मैं स्टैटिक टाइप करता हूँ अच्छा जी उसके बाद मैं दूसरा जो फील्ड है उसकी एंट्री करता हूँ उसके बाद फिर स्टैटिक उसके बाद तीसरा जो फील्ड है उसकी एंट्री में उसके बाद स्टैटिक उसके बाद मैं एक इजाफी चीज़ यहाँ टाइप करता हूँ पी ओब्लिक का मतलब क्या है पोस्टल कोड आइडेंटिफायर उसके बाद मैं जो लास्ट में जो फील्ड है उसकी एंट्री करता हूँ उसके बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये हो गया मेलिंग एड्रेस फील्ड की एंट्री जिसको मैंने यहाँ टाइप की और रिकॉर्ड की अब मैंने करना क्या है मैंने रीडिस्प्ले करना है इस बीएफ को ये है मेलिंग एड्रेस फील्ड की एंट्री जो इसको मैंने टाइप की और रिकॉर्ड की है मेलिंग एड्रेस अब मैंने इस फील्ड को मेलिंग एड्रेस फील्ड को डिस्प्ले करना है स्टैटिक डबल ऐसे मैं इस मेलिंग फील्ड को डिस्प्ले करता हूँ तो ये हो गया मेलिंग एड्रेस इसको मैंने डबल स्टैटिक डबल ऐसे डिस्प्ले किया अब हमने डिलीवरी एड्रेस की एंट्री यहाँ टाइप करनी और रिकॉर्ड करनी है तो आपको इस जहन में रखना है अगर आपने डिलीवरी एड्रेस की एंट्री बीएफ गिलीड में बीएफ में करनी है तो आपको सिक्स सब फील्ड्स की एंट्री यहाँ अलाउड है आप सिर्फ सिक्स सब फील्ड्स की एंट्री यहाँ टाइप कर सकते हैं इससे ज़्यादा सब फील्ड्स की एंट्री टाइप नहीं कर सकते तो मैं यहाँ इसकी एंट्री को टाइप करता हूँ डी टाइप करूँ उसके बाद डॉट है डी डॉट मेरे एड्रेस में मैंने डब्ल्यू डॉट टाइप किया अब मैं यहाँ इस एड्रेस की एंट्री में मैं यहाँ डी डॉट टाइप करता हूँ उसके बाद मैं जो है वो ये एड्रेस टाइप करता हूँ उसके बाद स्टैटिक और उसके बाद जो दूसरा सब फील्ड है इसकी एंट्री में करता हूँ और उसके बाद स्टैटिक उसके बाद दूसरा जो सब फील्ड है इसकी एंट्री में करता हूँ अच्छा जी तो मैंने यहाँ इस एड्रेस की एंट्री की और मैं इसके बाद एंटर प्रेस करूँ तो ये हो गया मैंने डिलीवरी एड्रेस की एंट्री की और इसको टाइप की और रिकॉर्ड की अब मैंने डिस्प्ले करना है इस बीएफ को ताकि आपको दोनों नज़र आ जाए ये डिलीवरी एड्रेस है ये मेलिंग एड्रेस है अब मैंने करना क्या है कि सिर्फ इस दोनों एड्रेसेस को डिस्प्ले करना है तो इसको डिस्प्ले करने का तरीका यह है कि मैंने यहाँ स्टैटिक टाइप करना है और उसके बाद मैंने डबल ए टाइप करना है ताकि ये दोनों डिस्प्ले सिर्फ ये दोनों डिस्प्ले हो जाए तो ये है डिलीवरी एड्रेस और ये है मेलिंग एड्रेस इसके बाद मैंने करना क्या है मैंने ये करना है कि मैंने रिसीव फ्रॉम फील्ड की एंट्री करनी है और इन में ई टाइप करना है ताकि ये दोनों फील्ड सेव हो जाए ये बी एफ इन हो जाए और दोनों फील्ड
SBF में सेव हो जाए। तो मैंने यहाँ received from field की एंट्री यहाँ टाइप करनी है, इसके बाद और डॉट, उसके बाद मैंने इस क्लाइंट का नाम यहाँ टाइप करना है। तो ये हो गया received from field की एंट्री जिसको मैंने टाइप की, और अब मैंने क्या करना है, इस फील्ड को इन करना है, इस बीएफ को मैंने इन करना है ताकि ये दोनों फील्ड इस बीएफ में सेव हो जाए और सक्सेसफुली ये बीएफ इन हो जाए और ये दोनों फील्ड इस बीएफ में सेव हो जाए। तो मैंने यहाँ ई टाइप करना है। अच्छा जी, तो ये हो गया, मैंने मेलिंग एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस की एंट्री यहाँ टाइप की इस बीएफ में और रिकॉर्ड की। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन। Chase are leading us, and love is all we'll ever trust, yeah.